हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम इन एडवांस एक्सेल कोर्स। गाइस, आज के इस सेशन में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ने जा रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिकली काम क्या है। वैसे तो आपने सिंपल फॉर्मेटिंग जो है वो सीख ली होगी, जब हम होम टैब की वीडियो बना रहे थे तो उस वीडियो में भी मैंने आपको जो सिंपल फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कलर करना या कोई फॉन्ट चेंज करना या फिर श्रिंक थ्रू करना या कोई इसे मिडल अलाइन करना, मर्ज सेंटर करना, ये सब मैंने आपको बता दिया था जो बेसिक था। और उसके बाद मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग सिखाई। तो फॉर्मेटिंग के चैप्टर में, फॉर्मेटिंग के लेसन में हमने ये एरिया जो है यहाँ तक कवर किया था। और उसके बाद जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है सिंपल फॉर्मेटिंग से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई कलर कर देता हूँ, इसको मैं फिल कर देता हूँ, तो ये देखिए इसने फिल कर दिया। लेकिन अगर हमें लॉजिकल फॉर्मेटिंग करनी है, मींस कि अगर मैं कहूँ कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, अगर उसमें से जो वैल्यू है वो 2000 से ऊपर है उसे कलर करे, बाकी को कलर ना करे, इसी तरह जो डेट है वो 7 डेट से अगर ऊपर हो गया उसे कलर करे बाकी को ना करे, इसी तरह अगर मैं किसी भी पर्सन को चेक करूं कि अगर 50% से अबव है तो उसको कलर करे बाकी को ना करे, इसी तरह मैं जो कम है उनको अलग कलर करूं या जो ज़्यादा है उनको अलग कलर करूं। तो जब भी आप किसी लॉजिकल सीक्वेंस से कलरिंग या फॉर्मेटिंग करना चाहते हों तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है बेसिकली ये एक लॉजिकल फॉर्मेटिंग है। इसमें फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, इसमें आप फॉर्मेटिंग तो करते ही हैं पर लॉजिक्स के हिसाब से। इसमें आप फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और लॉजिकल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले फार्मूलाज। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले होम टैब की मेन्यू में आना पड़ेगा। जिस एरिया पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। और अगर हम यहाँ से यूज़ करें तो डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से फॉर्मेटिंग है, तो डिफरेंट कैटेगरीज को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैथमेटिकली लॉजिकल कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए हाईलाइट सेल रूल्स में अगर आएंगे तो ये देखिए इसमें हमने लेस देन किया, इसी तरह आप ग्रेटर देन कर सकते हैं, इसी तरह आप बिटवीन कर सकते हैं। तो इन तीन ऑप्शन पर आप टाइम, डेट और नंबर पुट करवा सकते हैं, उन पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू, ये चौथा ऑप्शन सॉरी, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप एक एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं। मीन्स कि इसमें आप कैरेक्टर दे सकते हैं, इसमें आप लेटर दे सकते हैं, पर इन तीन में आपको टाइम, डेट और नंबर ही देना पड़ेगा। इस पर इसमें इक्वल टू में आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं इसको कंडीशन दे देता हूँ कि इस एरिया में जो 5, 4, 5, 6 का जो नंबर है सिर्फ उसे ही हाईलाइट करना है, बाकियों को नहीं करना। तो ये मैंने इसे एक एग्जैक्ट वैल्यू की कंडीशन दे दी। सपोज़ कीजिए कि इसमें मुझे सिर्फ जनवरी को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इक्वल टू में आऊँगा। इक्वल टू में आप ए बी सी या लेटर्स, कैरेक्टर्स, नंबर सब दे सकते हैं, पर लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन में आप सिर्फ टाइम, डेट और नंबर ही दे सकते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जैन, कि जो जनवरी महीना है, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसे ही हाईलाइट करना है, बाकियों को नहीं करना, तो इसे मैं कर देता हूँ ओके। और कलर फॉर्मेट और कस्टम फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो ये देखें इसने उसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह एक ऑप्शन हमारे पास होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, दैट टेक्स्ट दैट कंटेन। बेसिकली इस फीचर का मेन काम क्या है कि जो बहुत से डाटा ऐसे होते हैं जिसमें सेम नाम यूज़ हो रहे होते हैं, तो हमें ये चेक करना होता है कि जो सेम नाम है, जैसे कि यहाँ सिट कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, इसी तरह नीचे सिट फोटो स्टूडियो लिखा हुआ है, तो सिट कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिफरेंट जगह पर सिट का नाम जो है आया हुआ है। तो अगर हमें यह मालूम करना हो, ऐसे सेल को हाईलाइट करना हो जहाँ एक ही नाम यूज़ हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। इसमें हम आएंगे और इसमें हम लिखते हैं सिड। अगर हम सिड लिखेंगे तो सिड पूरे एरिया में जहाँ जहाँ होगा वहाँ उसे हाईलाइट कर दिया जाएगा। एरिया हमने सेलेक्ट नहीं किया था, एक बार फिर करते हैं।
ये देखें, ये सिट कंप्यूटर पूरा लिखा हुआ आ गया, तो इसे मैं मिटाता हूँ और खाली सिट लिखूँगा तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें जहाँ जहाँ सिट लिखा हुआ था जिस जिस कॉलम में, तो इसने उसे हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइट सेल रूल्स में जो अगला ऑप्शन है वो है डेट ऑक्यूरेंट का। इससे क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि हमें कोई पार्टिकुलर डेट हाईलाइट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब सिस्टम ऑफ होता है या शट डाउन हो जाता है, तो जब हम ऑन करते हैं तो वो वही डेट सेलेक्ट हुई होती है, डेट चेंज नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे इस ऑप्शन में, इसको क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर टुडे सेलेक्ट करता हूँ तो ये आज के दिन की डेट को हाईलाइट कर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दिस मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें जहाँ जहाँ हम डेट लिखते जाएंगे आज की, तो ये उसे हाईलाइट करता जाएगा क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। तो इसी तरह आप अपने पर्टिकुलर डेट हाईलाइट करवा सकते हैं, इसी तरह आप यस्टरडे कर सकते हैं, तो अगर आप दिस मंथ कर दें तो इस मंथ नहीं कर, अगर आप नेक्स्ट वीक करेंगे तो नेक्स्ट वीक तक, इसी तरह अगर आप टुडे करेंगे तो आज के दिन के लिए हाईलाइट करेंगे। तो जो फॉर्मेटिंग हमने की है, बेसिकली फॉर्मेटिंग मालूम करने के लिए कि हमने कौन सी फॉर्मेटिंग की है, तो उसका हम पता कैसे लगाते हैं, हमने सेलेक्ट किया और मैनेज रूल्स में आ गए, हम मैनेज रूल्स में आएंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मेटिंग की है। तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको यहाँ से न्यू रूल बना सकते हैं और या उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो आप अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। जो अगला ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। इसमें क्या होता है कि अगर आपके एरिया में या आपके डेटाबेस में जो कंटेंट या जो नंबर या जो वैल्यू मोर देन वन टाइम रिपीट हुई हुई है, तो उसे आप कैसे हाईलाइट करेंगे। अक्सर बार ये होता है कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है जो मोर देन वन टाइम यूज हुई होती है आपकी डेटाबेस में, तो उसके लिए आप काउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये एक बहुत ही ईजी मेथड है कि आप जो नाम आपके डेटाबेस में एक से ज़्यादा बार यूज़ हुआ हुआ है उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अगर इसे हमें सेलेक्ट करें, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं हाईलाइट सेल रूल्स में और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ में आ जाएं, तो यहाँ पर ये देखें जो नाम एक से ज़्यादा बार यूज़ हुआ हुआ है वो हाईलाइट हो गया। तो इसी तरह अगर आप इसको यूनिक करेंगे तो यूनिक हाईलाइट करेगा, ये नाम एक्चुअली बार बार यूज़ हुए हैं इसलिए सबको हाईलाइट कर रहा है, लेकिन आपके डेटाबेस में कोई एक या इससे दो नाम ज़्यादा यूज़ हुए हों तो ये उसे हाईलाइट कर देगा। इसी तरह आप इसके फॉर्मेट सेल्स और कलर्स चेंज कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ जो अगला फीचर है वो है टॉप बॉटम रूल्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हम टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट कर देते हैं। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखूं और उसे हाईलाइट करना है, आप नंबर्स कर सकते हैं, आप रैंक दे सकते हैं। ये देखें अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मुझे टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करना है, तो आप टॉप 10 कर सकते हैं, एक रैंक देनी है तो आप टॉप 100 भी कर सकते हैं या टॉप 1000, तो टॉपर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप नंबर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और ओके कर दें। इसी तरह आप टॉप एंड बॉटम रूल्स में टॉप 10% के भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए अगर मैं इसमें टॉपर को हाईलाइट करूं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टॉप एंड बॉटम रूल्स में आते हैं और टॉप 10 पे क्लिक कर देते हैं, जो जो टॉप 10 की परसेंटेज जिसकी होगी तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसी तरह बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% जैसे कि हमने ऊपर किया जो टॉप के थे, इसी तरह जो बॉटम के होंगे, जो निचली दर्जे के होंगे, तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स में जो अगला ऑप्शन है वो है अबव एवरेज का। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो सपोज़ कीजिए कि इस एरिया का एक एवरेज है, एक एवरेज नंबर है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 39921
0.33333, तो इसे आप काउंट सम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें किसको हाईलाइट करना है, सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाने के बाद अबव एवरेज में उनको हाईलाइट कर देंगे। मीन्स के जो अबव एवरेज के हैं इस एवरेज के बनिस्बत उसे हाईलाइट कर दें। इसी तरह आप बिलो एवरेज भी कर सकते हैं, जो बिलो एवरेज के होंगे उसे हाईलाइट कर देगा। इसी तरह हमारे पास डेटा बार से, डेटा बार में क्या होता है, सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई नंबर है और आपने उस नंबर के रैंक के लिहाज से उनको हाईलाइट करना है, मींस कि अगर जो नंबर सबसे बड़ा है या जो सबसे अपर है उससे हाईलाइट करें थोड़ा सा, उसके बाद जो लोअर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करें, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, इसी तरह थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, इस तरह अगर आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप डेटा बार यूज़ करते हैं। ये देखें तो इसमें आपको ये मालूम हो सकता है कि कौन सी वैल्यू मिडल में है, कौन सी वैल्यू अपर है और कौन सी वैल्यू लोअर है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूँ तो वो ये है, अगर मैं यहाँ पर एक अकाउंटिंग लिखूँ तो ये देखें, इसे मैं फिल कर देता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद डेटा बार में आने के बाद अगर मैं इस पर कलर करूँ तो ये देखें, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस पर सबसे ज़्यादा कलर होगा और जो सबसे छोटी होगी उस पर सबसे कम कलर होगा। तो इस लिहाज से इसको आप डिफरेंट तरह की ग्रेडियंट दे सकते हैं, इसे अप फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट के थ्रू, और सॉलिड फिल आप कर सकते हैं और ग्रेडियंट थ्रू कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की फॉर्मेटिंग आप रखना चाहते हैं। इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास जो अगला फीचर है वो है कलर स्केल्स का। कलर स्केल्स का कोई ख़ास यूज़ नहीं है, ये सिर्फ कलर चेंज करता रहता है नंबर्स के अकॉर्डिंग, मीन्स के जिस तरह के नंबर की रैंकिंग होगी, जिस तरह की उसकी कैपेसिटी होगी उस तरह वो उसको कलर चेंज करता जाएगा। मीन्स अगर ये एरिया हम सेलेक्ट करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल में आने के वाले से सिलेक्ट करें तो ये देखें, जो वन होगा उसका रेड, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा येलो, फिर ग्रीन, इस तरह कलर चेंज करता रहता है। इसी तरह आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर्स के लिए है कि किस तरह के कलर आपको रखना चाहते हैं। इसी तरह आइकन सेट का नाम है, इसके लिए आप क्या करते हैं, आप एरिया सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट्स में आने के बाद आप कोई भी आइकन सेट कर सकते हैं। तो ये देखें, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी मिडिल अपर और लोअर वैल्यू कौन सी है। ये देखें, ये जो आप मिडिल लोअर वाली हैं, ये थोड़ी सी मिडिल वाली हैं, तो ये अपर वाली वैल्यू, इस तरह आप पता लगा सकते हैं। तो आइकन्स के और भी बहुत से यूजेस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद मैं मैनेज रूल्स में आऊँ और इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये देखें, इसको आप डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसे आपको परसेंटेज परसेंट के लिहाज से यूज़ करना है या नंबर के लिहाज से यूज़ करना है, फार्मूला, तो इस तरह के डिफरेंट यूजेज हैं। आप एक नंबर सेट कर सकते हैं कि अगर इतने नंबर आए तो ये आइकन आगे आए और अगर इतने नंबर हो तो ये आइकन शो हो, तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर आइकन सेट कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट करना सीखा। तो आज की एडवांस फॉर्मेटिंग की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास का पार्ट टू होगा, तो उस सेशन में हम न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स, इसको इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फार्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं, फार्मूलाज कैसे पुट करते हैं और लॉजिकल कंडीशन कैसे लगाते हैं, तो उसके बारे में सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।